इंद्री के गांव भातसो की भट्टा कॉलोनी में विकास कार्य न होने से परेशान ग्रामीणों ने सरपंच सहित सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि कॉलोनी में सरपंच ने एक भी विकास कार्य नहीं करवाया है। कॉलोनी में सड़कें कच्ची होने के साथ साथ चारों ओर गंदगी पसरी हुई है। हालात ऐसे हैं कि पैसे से तंग ग्रामीणों ने खुद ही राखी खरीद कर गलियों का निर्माण करना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 36 वर्ष पूर्व कॉलोनी में प्लाट काटे गए थे। इस समय कॉलोनी में करीब 60 परिवारों के करीब 300 सदस्य रहते हैं, जो सभी मूलतः सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं। कॉलोनी में फैली गंदगी ने ग्रामीणों का जीना मुहाल कर रखा है। नाराज ग्रामीणों ने मौजूदा विधायक पर भी विकास कार्य ना करवाने के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जल्द ही कॉलोनी में विकास कार्य नहीं करवाए गए तो हम कोई भी बड़ा आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। ग्रामीणों ने कहा कि सरपंच सहित किसी भी नेता ने हमारी सुध नहीं ली है। सरपंच का चुनाव आने वाला है और किसी को भी वोट नहीं देंगे। महिलाओं ने कहा कि अब की बार कोई भी सरपंच या नेता वोट मांगने आया तो उसका स्वागत जूतों के हार से किया जाएगा, क्योंकि चुनाव के दौरान तो उम्मीदवार हमारे पैर तक छूते हैं, वादे करते हैं कि हमें वोट देंगे तो कॉलोनी में पूरा विकास कराया जाएगा, परंतु सत्तासीन होते ही सभी वादे भूल जाते हैं। वहीं खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी अंग्रेज सिंह का कहना है कि उनके पास आज तक कोई शिकायत नहीं आई है। गांव में जाकर निरीक्षण करेंगे, उसके बाद जो विकास कार्य करवाने के होंगे वे करवाए जाएंगे। इंद्री से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। मैं गांव भातसो की भट्टा कॉलोनी में रहता हूं। जैसे कि आप आज यहाँ पर आए हैं, देख पा रहे हैं यहाँ की क्या क्या सुविधा है इस कॉलोनी में। देख पा रहे हैं यहाँ पर ना, जो आज तक यानी कि 1990 में कॉलोनी बनाई गई थी, यानी कि उसके बाद आज तक जो भी है यहाँ, कितनी सरकारें जैली यहाँ से कितनी आके चली गई, तो देखा जाए यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ। इसको राम कुमार कश्यप जी ने भी गोद लिया गांव को, कर्णदेव सिंह भी रह के चले गए विधायक, जो पिछले विधायक थे एक्स विधायक, और भी देखा जाए अब भी दोबारा फिर वो राम कुमार कश्यप जी आए हैं। क्या परेशानी? परेशानी जैसे यहाँ एक तो सबसे मेन बात है यहाँ पर रास्ते की दिक्कत है, यानी कि जब बरसात होती है तो बरसात में यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, यानी कि 6-6 फुट 7-7 फुट पानी हो जाता है, और जो लिखने बढ़ने का इबारक बिल्कुल जाम हो जाता है, सील हो जाता है, यानी कि सभी परेशान हो जाते हैं इससे। दूसरी परेशानी यहाँ कोई पानी की सुविधा नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी आके देखता नहीं है। पिछली बार कर्णदेव काम्बोज जी बने थे तो उनको भी 3-4 बार दुर्कास लगाई हमने, पर उसका कोई समाधान नहीं हुआ। और जब ये गोद लिया था हमारा गाँव 2014 में राम कुमार कश्यप जी ने, तो उन्होंने यहाँ पर दौरा किया था इस कॉलोनी का, बट फिर भी क्या हुआ, कोई प्रोसेस नहीं देखने को मिला। उसके बाद अभी पिछले दिनों जब बरसात हुई ना, तो यहाँ पर बहुत पानी इकट्ठा हो गया था, बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी हमारी कॉलोनी की। तो यहाँ पर आके किसी भी विधायक ने देखा नहीं इसको, किसी ने जाना नहीं, गांव वालों ने साथ दिया तो सभी यहाँ कॉलोनी से बाहर निकल गए थे जब इसमें इतना पानी इकट्ठा हुआ। और पानी इकट्ठा होने की वजह से फिर भी बोला 2-4 महीनों में काम कर देंगे, पर कोई काम नहीं हुआ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी, हम हर एक जगह जा लिए, ऐसा कोई नहीं है जिसका दरवाज़ा हमने ना खटखटाया हो, पर क्या करें, किसी ने हमारी कोई सुध ही नहीं लेता। यहाँ पर कोई भी विधायक आ जाओ, कोई भी इस बारे में सोचता नहीं है। और एक बार जैसे मैंने उसको दरखास्त दी, हम सारे इकट्ठे होके गए कर्णदेव सिंह के पास, तो वो बोले भाई यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते, आप ना लिखवा के लेके आओ, भाई जो मिलिंग वाले होते हैं जिसको जो मट्टी के लिए वो देते हैं, वही उनसे लिखवा के लेके आओ, जब हम कुछ करेंगे। और सरपंच जी ने भी यही बोला, पर कोई फायदा नहीं हुआ इन बातों से। आज आप देख सकते हो इस कॉलोनी के हालात कैसे हैं। यहाँ पर जिस टाइम बरसात होती है ना, तो सभी निकलने के लिए भी तरसते हैं, और हर एक मार्ग जाम हो जाता है, हमारे लिए बहुत समस्या हो जाती है। हमारे मकान गिरने की स्थिति में है, तरेड़े आ गए मकानों में अंदर से, पर क्या करें, कोई सुविधा कोई देता ही नहीं यहाँ पर सुविधा, और कोई नहीं तो मैं कुछ नहीं बताता। सरपंच के द्वारा भी कोई भी काम यहाँ पर किया गया नहीं है इस कॉलोनी में। कुछ हम जैसे आप पीछे देख सकते हैं, हमारी दूसरी गली में 4-5 घरों ने पैसे इकट्ठे किए, और जो थोड़ा मिट्टी वगैरह गरवा रहे हैं वो इकट्ठे करके, क्योंकि ताकि निकलने बढ़ने का मार्ग हो सके यहाँ से, क्योंकि इतनी स्थिति गंभीर हो जाती है कि पैर रखने की यहाँ जगह नहीं रहती बरसात के टाइम में, कहाँ से निकले, तो अपना बंदोबस्त तो खुद करना पड़ेगा ना। आम आदमी, हम गरीब आदमी है, हमारी कोई बुहार तो सुनता नहीं है, फिर क्या करें हम, कुछ तो करना पड़ेगा ना खुद के लिए। अब हमारी तो एक ही दरखास्त है सरकार से, जैसे भी है विधायक जी, भाई यहाँ पर काम हो इस कॉलोनी में, कोई काम किया जाए, ताकि यहाँ पर आने वाले दिनों में स्थिति अच्छी हो जाए और कुछ विकास यहाँ कम से कम देखने को मिले। आप जैसे विधायक बने, उनको 6 महीने हो गए, 6 महीने से यहाँ, हम एक बार गए थे, मैंने पूछा था किसी से, पर बोले यहाँ पर कोई काम नहीं हो सकता, उनका विधायक तो ऊपर ले काम करते हैं, यहाँ पर कोई कुछ नहीं करेगा। तो हम क्या करें, अब किसके पास जाएं, क्योंकि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है।
हम तो यही मांग करते हैं सरकार की, अगर हो सके तो यहाँ पर काम किया जाए, यहाँ पर पानी की लाइनें बिछाई जाए और इसकी जो देखो मरम्मत कितनी गंभीर है, यहाँ पर स्थिति बहुत गंभीर है, यानी कि सभी गरीब लोग हैं और जब स्थिति खराब हो जाती है तो किसके पास जाएगा। तो यहाँ के सभी जो समस्या है ना, इनका समाधान किया जाए जल्दी से जल्दी, हम तो ये चाहते हैं। इनका जी बहुत पानी भर गया था, वैसे मारा सब नाज पानी बह गया था, डंगर डोर सब मर गए थे जी, बच्चे बहुत डूब दो काट है, सारी परेशानी सरपंच पे कह, सरपंच कह रहा मेरे बस की बात नहीं भाई, बहनों का जद नरेगे का काम लगेगा, जब थारी गलिया गुड़िया बनेंगी जी, और वो बोट लेने आ जाते हैं जी, पैरों पे हाथ लगाते हैं कह भाई हमारी बोट डाल लो, इबका आएगा इबका पिट के जाएगा, उरत परेशानी हो जाती है जी, बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्कूल ते भी अपने घर ते निकले नहीं जाता जी, आपके जी कुछ नहीं मिला जी, ना सरकार कर दी जी, ना देखना आए जी, बहुत डूब के बच्चे बहुत मसों से काट दे, सरपंच क्या कहता है नुक मेरे बस की नहीं है। मेरा नाम ज्योति देवी है जी, गांव बादशो, इसमें कोई भी सुविधा नहीं है जी, बिल्कुल भी, वोट मांगने के लिए लोग आते हैं लेकिन कोई सुविधा नहीं होती जी, वोट मांगने से पहले तो लोग आ जाते हैं कि हम सुविधा करवाएंगे लेकिन कोई कुछ नहीं करवाता जी, वोट लेकर सारे एक पास होगा जी, कोई कुछ नहीं करवाता, इतना वोट नहीं मिलते जी, इतना तो लोग चक्रियां काटा पूरी तसलियां करा, पैरों का हाथों लावा, फिर कोई कुछ कर नहीं कंदा जी, आ कभी नहीं देखता जी कोई भी, तो यहाँ गलियां नहीं बन रही, गलियों का सुविधा न होना चाहिए जी, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ थोड़ी सी भी बूंद हो जा जी तो बहुत पानी भर जा, सारे ना पानी भर जा जी, छोटे छोटे बच्चे कहाँ खेलना कहाँ जावा, कि गलियों में भी लोगों ने कांडे ला रखे जी, कहाँ सी लेकर जावा बच्चों ने बता, बच्चों ने कहाँ सी खिलावा, गलियों में बच्चों थोड़े बहुत खेलना, जमी भी सुविधा नहीं है जी यहाँ गलियों की, अरीब की बार तो कोई वोट मांगना आ गया जी जूतियाँ खावेगा चाहे जूतियों की माला पावेगा, इब की बार किसी तक भी वोट नहीं देंदे जी, चाहे यहाँ सरपंच के हो चाहे जो मर्जी हो जी, प्रधानमंत्री हो जी चाहे, भट्टा कलोनी पे रहते हैं, मारे कोई भी सुविधा नहीं है जी, हाँ जगह जगह थे मारे पैप फुटे पड़े पानी के, अच्छा जी, ना कोई देखता का, कई बारी कह लिया समरवांदा भी नहीं है ना कोई, अगे थे हम वोट नहीं देंदे जी किसी से, और जो वोट मांगने आएगा वो जो कोई आएगा लट्ठाऊंगी मैं तो सीधा, और लट्ठाऊंगा तो इसमें क्या, और ठीक है जो कोई वोट मांगना आएगा नहीं अपनी बेइज्जती करवा कर जाएगा अगे थे बस, हाँ चाहे बड़े इलेक्शन को चाहे कोई छोटे इलेक्शन को बस। मैं भट्टा कॉलोनी गांव बादशो का रहने वाला हूं, और इस भट्टा कॉलोनी में आज तक ये इंदिरा गांधी आवास योजना में कटी हुई है लेकिन आज तक भी इस कॉलोनी में कोई गलियों की कोई सुविधा नहीं है, कोई पीने के पानी की सुविधा नहीं है, पानी की निकासी नहीं है, जब यहां पे बरसात हो जाती है तो हर एक कोई बच्चा स्कूल में जाने से रहता है घर पे ही, बूढ़े बुजुर्ग हैं वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, गलियों में गारा चिक्कड़ हो जाता है, तो हर किसी को परेशानी है घर से बाहर जाने में और आने में गलियों में। अब 2019 की बात है, पिछले साल ही जुलाई में 16 जुलाई को यहाँ पे इतना पानी आ गया था पीछे से कि यहाँ पे बाढ़ जैसे हालात हो गए थे, हर एक गली में 5-5-6-6 फुट के करीब पानी था, जिससे बहुत ही मतलब दुर्दशा भयानक हुई, कहीं पशु मरे और लेडीज़ एक थी गर्भवती उसको भी दिक्कत हुई थी, तो कई तरह की मतलब बहुत सारी परेशानी होती है हर तरह के, जब जहाँ रहते हैं मक्खी है मच्छर है तो हर तरीके से यहाँ पे परेशानी है, यहाँ पे कोई सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं है किसी का भी कोई विशेष, वैसे कहते हैं स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत की बात करते हैं लेकिन यहाँ पे देखें आके यहाँ पे क्या सफाई है, यहाँ पे कोई सफाई नहीं है, कोई मक्खी मच्छर की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है, कोई गलियों की तरफ कोई ध्यान नहीं है, सरपंच के पास जाके देख लिया, हर किसी के पास डीसी के पास दरखास्त दे के देखी, रामकुमार कश्यप जी के पास पहले बोला हुआ है, अब की बार भी जब गाँव में आए थे वो विधायक बनने के बाद तब भी उनको बोला लेकिन उन्होंने भी कहा कोई बात नहीं कर देंगे, लेकिन करता कोई नहीं है, बड़े बड़े वादे कर लेते हैं आने के बाद भैया बनने के बाद हम ऐसा करेंगे लेकिन किसी ने भी आज तक इस कॉलोनी में कोई सुधार नहीं किया, ये संच राशि की कटी हुई कॉलोनी है इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत और आज तक भी कोई सुधार नहीं है इसमें, हम तो सरकार से ये चाहते हैं कि कैसे जैसे कुछ भी करे कि हमारी गलियां बन जाएं इस कॉलोनी की और हर तरीके से पानी की निकासी हो जाए, जिससे हमारे बच्चे हैं जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो घर से बाहर निकल सके आसानी से आ जा सके, बच्चों की पढ़ाई ना वेस्ट हो, तो सबसे ये हमारी तो बस यही प्रार्थना है कि हमारी गलियां बनवाई जाएं। मेरे संज्ञान में अभी तक कोई वहां की गलियों की ना कोई वो है भी, गलियां कच्ची हैं या कुछ है, अब मैं इसका मौका देखूँ और मौका देख के इनका समाधान कराएंगे जल्दी से जल्दी, नहीं बट उसमें वार्ड से मेंबर भी बनता होगा कोई इनका,
अगर मेंबर आए, कोई मेंबर नहीं उनको आज तक मिला मेरे को भी यहाँ पे काम करना है, कुछ करना है। जब किसी ने मेरे को बताया कि भी वहाँ पे काम किया क्या नहीं, बादशाह गया मैं, लेकिन किसी ने वो तो नहीं शिकायत की भी वो कहा यहाँ पे हमारे भट्टा कॉलोनी में ये नहीं है वो नहीं है। अच्छा, मौका देखेंगे क्या सिचुएशन है, उसके मौके अनुसार उनसे रजिस्ट्रेशन करवा के काम करवा देंगे उनका। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।